जयपुर में जेएलएन मार्ग पर हुए बारिश से कटाव बजाज नगर तिराहे के सामने कटाव हुआ। स्मृति वन की तरफ से मिट्टी का बड़ा कटाव हुआ है, सड़क नहीं धसे इसके लिए हो रही है कड़ी मशक्कत। जेडीए की टीम मशक्कत कर रही है क्योंकि आम लोगों की परेशानियां इस लिहाज से बहुत ज्यादा बढ़ जानी है। सड़क नहीं धसे इसके लिए फिलहाल कार्रवाई और जेडीए की टीम लगातार मशक्कत कर रही है। जयपुर में जेएलएन मार्ग पर बारिश की वजह से कटाव हुआ है क्योंकि आज दोपहर से ही आपने देखा कि तेज बारिश हो रही थी और उसके वजह से अलग अलग हिस्सों में जो परेशानियां हुई है उसको लेकर अब जेडीए भी अलर्ट है। लेकिन अब अलर्टनेस से क्या फायदा क्योंकि आज तो परेशानी है, कटाव की स्थिति आ गई है। तस्वीरें आपके साथ हैं और इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, तस्वीरें दिखाने के साथ साथ ये बताइए कि आज जो जेडीए की टीम मशक्कत कर रही है क्या उसको पहले नहीं करना चाहिए था? देखिए रीमा, आज ये जिस तरह से कटाव हुआ है और जिस तरह से जेलिन मार्ग का पानी नीचे पहुंचा है और कटाव हुआ है और उसके अलावा आगे जो ओटीएस का नाला है उसका भी पानी आया है, तो ये किस तरह से पानी वहाँ पहुंचा, जो ये पूरी मिट्टी के ऊपर ही पूरी सड़क बनी हुई थी, मिट्टी की नींव में किस तरह से पानी पहुंचा और मिट्टी किस तरह से किसकी, ये जेडीए वालों के लिए भी एक इस समय ये पहेली है कि आखिर पानी पहुंचा कैसे, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि जब इस तरह का कटाव हुआ है। हमारे जो कैमरामैन है वो इकबाल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो रेलिंग गिरी हुई है उस रेलिंग तक ये पूरा फुटपाथ था। इस हिस्से में पूरा का पूरा जो फुटपाथ है नीचे की मिट्टी ढहने से पूरी तरह से ढह गया है और केवल सड़क अब यहाँ बची है। आगे आप देख सकते हैं कि वो जो स्लिप लाइन दिख रही है आपको, जो फुटपाथ है उस फुटपाथ पे रेलिंग है, वहाँ तक की ये सड़क थी, लेकिन ये जो रेलिंग से लेकर यहाँ तक का पूरा एक लंबा हिस्सा जिसे कह सकते हैं करीब 30 फीट से ज़्यादा का हिस्सा जो है पूरा का पूरा फुटपाथ में जो है पूरा का पूरा ढह गया है। और ये गनीमत ये रही कि जो बीसलपुर की लाइन जा रही है उसको कुछ नहीं हुआ है और जो जेडीए ने तमाम काम शुरू कर दिए हैं, जेडीए के जितने भी अभियंता हैं फरिश से लेकर कनिष्ठ अभियंता तक सभी अभियंताओं को मौके पर बुला लिया गया है और ये लगातार आप देख सकते हैं कि जेडीए के जो चीफ इंजीनियर हैं वीएस सुंडा यहाँ मौके पर मौजूद हैं और अभियंताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए एक तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया है। बजाज नगर तिराहे से लेकर भास्कर चौराहे तक का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से एक तरफ का रोक दिया गया है, रेलिंग लगा दी गई है, लोगों को सतर्क किया गया है कि यहाँ पर नहीं आए और जो है अभी मिट्टी जो है। अभिषेक, आपके जरिए हमने तस्वीरें भी पहुंचाई और इंजीनियर्स की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है, जाहिर सी बात है कि तमाम परेशानियों को वो निपटा लेंगे। लेकिन इस बीच हमारी भी गुजारिश है कि अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो कृपया इस रूट से आप ना जाएं और आसपास के लोगों को भी आप इन्फॉर्म कर दें कि कृपया रात के वक्त में, क्योंकि बारिश होने वाली है और कुछ भी हो सकता है खतरा, तो एहतियातन आप इस रूट पे ना जाएं। यहाँ